You're welcome. मैंने ये फ्लैट कुछ दिन पहले किराए पर लिया था ताकि तुम सोडी की हत्या करके उसे बालकनी से नीचे फेंक सको। पहले साबित करके कानून की नजर में मेरा गुनाह क्या है। बिना किसी को बताए इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर के फ्लैट को किराए पर लेना। हाँ केडी, हाँ मैंने वो गन सोनाली के फ्लैट पर छोड़ी। मैंने सोडी को मारा, मैंने उसे फेंका। कैसे साबित करोगे? मैंने इस कमरे से, इस फ्लैट से हर नामो निशान को मिटा दिया। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास उस मर्डर का। कैसे साबित करोगे केडी? कानून सबूत मांगता है केडी, इसलिए क्या सबूत है कि इस पूरी साजिश के पीछे मेरा हाथ है? क्या सबूत है कि सोडी का खून मैंने किया है? एंडी, मैं जानता हूं कि तुमने 9 माले के उस फ्लैट से हर सबूत मिटा दिया। जहर की वो शीशी, वो ग्लासेस, जूस का वो बॉटल, फर्नीचर पर लगे तुम्हारे और सोडी साहब की उंगलियों के निशान, हर सबूत मिटा दिया जो तुम्हें उस जुर्म से जोड़ सकती थी, लेकिन एक चूक कर गए तुम। योर ऑनर, ये टेप। टेप? ऐसा टेप तो हर घर में मिल जाएगा केडी, ये कोई सबूत नहीं। आपकी बात ठीक है मिस माया फर्निस, लेकिन इस टेप की खास बात यह है कि ये एंडी के सामान से बरामद हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इस पर एंडी की उंगलियों के निशान भी है। इसी टेप से एंडी ने कुरियर का वो पार्सल सील किया था जिसमें पिस्तौल था और जो सोनाली के घर के बाहर रखी गई थी। योर ऑनर, अगर इस टेप का सिरा इस कुरियर बॉक्स के सिरे से मिल जाता है तब तो यह साफ साबित हो जाएगा कि यह सब एंडी का ही किया धरा है। परफेक्ट मैच योर ऑनर। Quiet, please, quiet. अब बताओ एंडी, अब तो तुम्हारे बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हाँ, सोडी ने मुझसे 30 लाख रुपए लिए थे इस बात का प्रॉमिस लेकर कि वो मेरा स्पोर्ट्स क्लब को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना देगा, लेकिन बिना कुछ किए वो मेरे सारे पैसे खा गया। मैं जानता था कि सोनाली की उससे दुश्मनी है, इसलिए मैंने चुपके से सोनाली के ऊपर वाला फ्लैट किराए पर लिया और सोडी को अपने घर पर बुलाया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे गलत एड्रेस दिया, 803 सोनाली का फ्लैट। इसीलिए उसने नीचे रजिस्टर में भी वही एंट्री की और लिफ्ट से 8वें फ्लोर पर उठा, जहां मैं पहले से उसकी राह देख रहा था। अरे सोडी जी, अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? मेरा फ्लैट तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है, 903। लेकिन आपने तो मुझे फ्लैट नंबर 803 बताया था। आपने गलत सुना होगा। खैर आइए। मैं फिर सोडी को ऊपर अपने फ्लैट में लेकर गया। मैंने उससे अपने पैसे आखिरी बार मांगे लेकिन उसने इनकार किया। मैंने टॉपिक बदला।
और उसे जहरीली ड्रिंक पकड़ा दी। ड्रिंक के असर से सोडी की मौत हुई। फिर मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उसके ऊपर एक गाउन पहना और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया। और नीचे आकर सोनाली के दरवाजे पर वो गन का पार्सल रखा। और फिर मास्क पहने सोनाली पर हमला किया। सोनाली ने घबराकर मुझ पर गोली चलाई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भागकर वापस ऊपर अपने फ्लैट में आया और सोडी की लाश को मैंने वही गाउन और मास्क पहना दिया। फिर मैंने सोडी की लाश को उठाकर अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। मान गए केडी, बिना सबूतों के जुर्म कैसे साबित किया जाता है, ये तुमने आज साबित कर दिया। सर, सर, सर। Yeah, I'm here. What do you want? सर, आपने अब तक बताया नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने माया के बालों में वो फूल। वो नहीं, सेक्शन 9211। एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता। हाँ, याद है मुझे। सेक्शन 9211। एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। राइट, यू आर अ जीनियस नियति। देखो नियति, एक अच्छे वकील को प्रश्न अपने कान से नहीं दिमाग से सुनना चाहिए। और याद रखना, जिंदगी और अदालत में जानकारी से ज्यादा समझदारी काम आती है। Am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.